अब हमारे पास क्या है, ये हमारी ऑप्टिकल फाइबर केबल है। जो ऑप्टिकल फाइबर केबल है तो ऑप्टिकल फाइबर केबल के थ्रू हमारी लाइट किस तरह से ट्रेवल करती है, किस प्रिंसिपल पर ट्रेवल करती है, तो ये जो हमारा प्रिंसिपल है इसमें वो क्या है, टी आई आर क्या है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है, तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या चीज़ है, वो क्या है कि अगर हमारी लाइट, जैसे कि आपने रे ऑप्टिक्स में पढ़ा होगा अपनी 12th क्लास में, तो उसमें क्या था कि अगर हमारी लाइट एक रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम के में ट्रैवल करती है, जैसे रेयर मीडियम मान लिया कि हमने एयर है और हमारा डेंसर मीडियम क्या है, गिलास है, तो जब अगर हमारी लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम रेयर मीडियम टू द डेंसर मीडियम, देन इट डेविएट टूवार्ड्स द नॉर्मल। मतलब कि जब लाइट हमारी रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम की तरफ जाती है, तो जो जानी तो चाहिए थी ये, तो ये टूवार्ड्स हमारे नॉर्मल की तरफ डेविएट हो जाती है। उसके बाद क्या होता है कि अगर हमारी लाइट डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में ट्रेवल करती है, अब इसका उल्टा हो गया, यहाँ हमारी लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में कर रही थी, अब हमारी क्या है, डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में कर रही है, मतलब कि ग्लास से एयर में जा रही है, तो उस वाले केस में क्या है, जो हमारी लाइट है वो नॉर्मल से अबे की तरफ शिफ्ट हो जाएगी, डेविएट हो जाएगी अबे फ्रॉम द नॉर्मल। और इस केस में क्या है कि अगर हम अब एंगल को बढ़ाते जाते हैं, इस वाले एंगल को, ये थीटा सी हमारा क्या, थीटा क्या है, हमारा इंसिडेंस एंगल है, इंसिडेंस एंगल, और ये हमारा क्या है, हमारा रिफ्लेक्टेड एंगल। तो ये हमारा रिफ्लेक्टेड एंगल है, अगर हम इसको बढ़ाते जाते हैं इंसिडेंस एंगल को, तो हमारा रिफ्लेक्टेड एंगल भी बढ़ता जाएगा, और अगर हम थीटा की वैल्यू इतनी बढ़ा देते हैं कि जो हमारी लाइट है, जो रिफ्लेक्टेड एंगल है वो इतना हो जाए कि वो हमारे ग्लास और एयर के इंटरफेस से पास करे, तो इस वाले हमारे इंसिडेंट एंगल को हम बोलते हैं थीटा सी, और बोलते हैं क्रिटिकल एंगल। ये मैक्सिमम एंगल है, ऐसा एंगल जिस पे हमारा जो लाइट है वो ट्रेवल कर रही है किससे, ग्लास और एयर के इंटरफेस से। अगर उसके बावजूद भी अगर हमने हमारी थीटा की वैल्यू को बढ़ा दिया, मतलब कि उसके बाद अगर हम इंसिडेंट वैल्यू को और बढ़ा देते हैं, तो जो हमारी लाइट है वो जब डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में ट्रेवल कर रही है, तो वो रिफ्रैक्टेड की बजाय इंस्टेंट क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्टेड बैक हो जाएगी। तो ये होता है हमारा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, जिसको हम बोलते हैं TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो हमारी लाइट है वो टोटली वापस से रिफ्लेक्टेड बैक होगी, जबकि हम डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम की तरफ जा रहे थे, बट जो हमारा एंगल है वो क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा है, जिसके कारण हमारी लाइट क्या हो गई, हमारी लाइट वापस से सेम मीडियम में ट्रेवल करने लगती है। तो इसी प्रिंसिपल पर हमारी ऑप्टिकल फाइबर करती है। तो यहाँ पे हमारा डेंसर मीडियम था और रेयर मीडियम, तो डेंसर मीडियम में ट्रेवल कर रही थी। अब हम देखते हैं जो हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है किसका, कोर का। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारे कोर का क्या ज़्यादा है, नीटा 1। मैंने पहले ही बताया है पहले लेक्चर में कि नीटा 1 इज ऑलवेज ग्रेटर देन नीटा 2। अगर नीटा 1 की मेरी ज़्यादा है, ये डेंसर मीडियम है, ये हमारा जो क्लैडिंग है वो रेयर मीडियम है, जब ये डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में ट्रेवल करेगी, तो क्या होगा कि हम इसको क्रिटिकल एंगल से भी ज़्यादा इसको हम कराते हैं इंसिडेंट, जिसके कारण क्या होता है कि ये वापस रिफ्लेक्टेड बैक हो जाती है सेम डेंसर मीडियम में, और इस तरह से रिफ्लेक्टेड होके चलती रहती है, और हमारा लॉसलेस रे हमारी यहाँ से हमको ट्रेवल करा सकते हैं हमारे इंफॉर्मेशन सोर्स से और हमारे डेस्टिनेशन तक। और अगर हम बात करें इसको सेम प्रिज्म पर भी देख सकते हैं, प्रिज्म में अगर हमने लाइट जब पास कराते हैं प्रिज्म के थ्रू, तो हमारी लाइट क्या होती है, डेविएटेड होती है। तो उसको दो वे से हम कर सकते हैं, या तो हम इसमें डोपिंग बढ़ाते रहते हैं, डोपिंग बढ़ाते रहेंगे तो देखो हमारा क्या है कि जो ये लाइट है ये और शिफ्ट होती जाएगी, और शिफ्ट होती जाएगी, और इस तरह से शिफ्ट हो जाएगी कि सेम प्रिज्म के ग्लास और एयर के इंटरफेस से बढ़ती जाएगी, और इसकी डोपिंग और बढ़ा देते हैं तो सेम मीडियम में ये वापस से ट्रेवल करने लगती है। या तो हम इसे डोपिंग के थ्रू बढ़ा सकते हैं, या हम इसको थीटा के थ्रू चेंज कर सकते हैं, मतलब इंसिडेंट एंगल को अगर हम चेंज करते हैं, इस तरह से चेंज करते हैं कि जो लाइट है वो रिफ्रैक्टेड होने की बजाय सेम मीडियम में अगर रिफ्लेक्टेड हो जाती है, तो वो हमारा होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो ये जो हमारी ऑप्टिकल फाइबर का है, तो इसके अंदर जो हम लाइट ट्रेवल करती है, या हमारी लाइट गाइडेड होती है, या हम कह सकते हैं लाइट हमारी प्रोपोगेटेड होती है, जो लाइट प्रोपोगेटेड होती है वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण होती है, इस तरह से हम। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और बाकी का हम इसका एक्सेप्टेंस एंगल हुआ, न्यूमेरिकल प्रेशर हुआ, टाइप्स ऑफ ऑप्टिकल फाइबर केबल, तो वो हम पढ़ने वाले हैं अपने अगले नेक्स्ट वीडियो में।